हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब बेटा? चलिए, अच्छा भी इनवाइट नहीं किया मैंने। चलो जल्दी से हम लोग इनवाइट कर लेते हैं। आप भी इनवाइट कर लो जल्दी से। हाँ बेटा, केसीईटी का पेपर कल मैंने करा दिया था आपको, है ना? और उसका पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड कर दिया था, मिल गया होगा मुझे उम्मीद है। जिन बच्चों को बेटा पीडीएफ नहीं मिल रही है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद वहां से आप चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ, 8960582582, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इन्वाइट कर लेते हैं सारे बच्चों को। सुबह तुम लोगों को उठने का मन करता नहीं है ना? लेकिन सुबह की क्लास की वजह से मैं भी जल्दी जग जाता हूँ। आज मैं 6 बजे जग गया था, तुम लोग भी 6 बजे जग गए होगे मुझे उम्मीद है। वरना फिर ऐसे रहता, जब क्लास नहीं रहती, 12 बजे की क्लास रहती तो ये लगता है कि चलो ठीक है, आराम से 10 बजे सो के जगेंगे। हाँ, तो फिर उससे शेड्यूल फिर गड़बड़ हो जाता है। तो जो मॉर्निंग वाली क्लास है, इससे थोड़ा सा शेड्यूल हम लोगों का अच्छा हो जाएगा। तो चलो, मैंने इनवाइट कर दिया है। ठीक है, तुम लोग इंतजार करते रहते हो। अभी तो बेटा एनटीए का जो मॉक टेस्ट मैं कराने जा रहा हूँ, इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दूंगा आज, है ना? 1-2 दिन में बता दूंगा। उसके बाद जो आगे की पीडीएफ मैं बनवा रहा हूँ, उसमें मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगा। और बाद में थंबनेल भी चेंज करवा दूंगा और थंबनेल पे मैं लिखवा देता हूँ। आप देखिए, जो पुराने एनटीए के पेपर मैंने कराए हैं उसमें थंबनेल मैंने चेंज करवा दिए है ना? अच्छा बेटा, अनुराग सर अभी तो उनकी जो आप देख रहे होंगे वीडियोस, वो रिकॉर्डेड अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि गांव में है, वहां पे उतना अच्छा नेटवर्क होता नहीं कि आपकी लाइव क्लासेस चल पाए। तो फिलहाल वो कर रहे हैं कि एनटीए के जो मॉक टेस्ट है, डेली एक टेस्ट अपलोड कर दे रहे हो, है ना? तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में आ जाना चाहिए अनुराग सर को, है ना? तो जैसे ही आ जाएंगे उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल वाला मॉक टेस्ट मैंने कौन सा कराया था, याद है किसी को? कल वाला कौन सा मॉक टेस्ट मैंने कराया था? अच्छा, प्रियंका कह रही कि प्रीमियम के लिए प्लेलिस्ट बना दीजिए। बेटा प्रीमियम के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वैसे मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। प्रीमियम के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हाँ कल देखिए, सारे बच्चे बता तो रहे हैं बेटा, ये इन सबको कैसे पता है? देखिए सारे बच्चे बता रहे हैं, 72 नंबर का कल मॉक टेस्ट कराया गया था, 72 नंबर वाला। ठीक है, तो एकता, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, प्रियंका कह रही कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो एक ही साथ है, तीनों की प्लेस अलग अलग करवा दूं? चलो ठीक है, ये मैं करवा दूंगा। दिव्या कह रही कि सर नीट एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या फिर से? बेटा कुछ भी हो सकता है ना, इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है।
वीरेंद्र कह रहे हैं कि सर 2021 की क्लास कब से शुरू होगी? बेटा 2021 वाली क्लास बस मंडे तक आप वेट करिए, मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे 2021 के लिए। ओके हाँ, क्लैट पोस्टपोन हो गया है, लेकिन केसीईटी का एग्जाम चूंकि हुआ है तो ये लगता है कि नीट हो सकता है पोस्टपोन ना हो, सकता हो भी जाए, है ना। तुम लोग टाइम पे आ जाओ तो मैं 8 बजे करेक्ट स्टार्ट कर दूँ, 9 बजे सेशन कंप्लीट कर दूँ। लेकिन तुम लोग इतना देर में आते हो, इनवाइट करना पड़ता तब जाके आते हो। हाँ, अब एग्जाम होने लगे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है, हम लोग अपनी पढ़ाई करते रहे, बाकी जो होगा देख लेंगे फिर, है ना। एनटीए मॉक टेस्ट 67 करेंगे बेटा आज हम लोग, है ना। एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 67 ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन, वाइन टर्न सावर बिकॉज ऑफ, जो वाइन होती है इसका टेस्ट खराब हो जाता है, ये कड़वी हो जाती है ना। सावर का मतलब होता है कड़वा हो जाना, तो वाइन का टेस्ट खराब हो जाता है किसकी वजह से? हाँ, मैक्सिम बच्चों ने आंसर गलत दिया है बेटा। अगर हम वाइन की बात करते हैं तो वाइन को एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा सॉर्ब कर दिया जाता है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन उसमें एसिटोबैक्टर के बारे में बताया गया कि जो एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का बैक्टीरिया होता है, ये वाइन को सॉर्ब कर देता है, एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस कराता है, जिससे वाइन का जो टेस्ट होता है वो कड़वा हो जाता है एसिटिक एसिड की वजह से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नंदन बेटा, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं आप मान के चलिए कि अक्टूबर या अक्टूबर के बाद, है ना। दिवाली तक मुझे लगता है कि कंडीशन थोड़ी सी सही हो जानी चाहिए, और वैक्सीन अगर आ गई तब तो बल्ले बल्ले फिर, है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। और वैक्सीन पे काम जिस तरीके से चल रहा है, उम्मीद है कि जल्दी ही, है ना, खुशखबरी आपको मिलेगी वैक्सीन को लेके। एन एडवांटेज ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज दैट, बेटा यूरिक एसिड आप जानते हैं कि सबसे कम लीस्ट टॉक्सिक होता है, और सबसे कम टॉक्सिक है तो इसके रिमूवल में सबसे कम पानी भी खर्च होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि यूरिक एसिड कैन बी एक्सक्रीटेड इन ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म। 8 बज के टाइम देखिएगा, 8 बज के 10 मिनट से हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए हैं, ठीक है, 8 बज के 10 मिनट पे। आगे देखिए कितने टाइम में हम कंप्लीट करते हैं। बी ऑप्शन क्यों कर रहे हो? द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये किसने बताया? वाटर नहीं लिखा बेटा, तुम लोग लीस्ट देख लेते हो फिर एनर्जी लिखा हो, चाहे मतलब कुछ भी लिखा हो, बस तुमने लीस्ट देख लिया और फिर आंसर कर देते हो, ऐसे थोड़ी पढ़ाई की जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, ये तो एनरोबिक होता है बेटा, एरोबिक को फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं कहते हैं, दैट इज नेम्ड एज बायो ऑक्सीडेशन, इसे बायो ऑक्सीडेशन का नाम दिया जाता है। चलिए 4 पे चलते हैं। ए फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करना है, तो किसका यूज करेंगे? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, दैट इज डीएनए लाइगेज, यहां पर यूज करेंगे लाइगेज एंजाइम का। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्कोमाइसी, जल्दी से बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे। ठीक है, तो माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सही है। सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, ये भी सही है। दे हैव सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच कैरियोगैमी टेक प्लेस, ये भी सही है। रिडक्शन डिवीजन अकर इन फ्रूटिंग बॉडीज एंड फॉर्म कोनिडिया, कोनिडिया नहीं बनते बेटा, यहाँ पर एस्को
स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एस्को स्पोर बनते हैं, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी टेकन एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास किसका क्राइटेरिया है बेटा, लिविंग का या नॉन लिविंग का, ये आप बताइए। ये दोनों में होता है बेटा, लिविंग इन बॉडी मास, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों में इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया कंसीडर किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया इज इंड्यूस्ड बाय, सिकल सेल एनीमिया का कारण आपसे पूछा गया बेटा, सिकल सेल एनीमिया। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी मास के द्वारा ग्रोथ होती है ना। चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्लूटामिक एसिड के जगह पर वैलिन आ जाता है। इन द मोनोकॉटसीड द एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम एम्ब्रियो बाय ए डिस्टिंक्ट लेयर नेम्ड एज, आपने मेज वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, और मेज वाले स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ये दिखाया गया है कि ये देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आता है ना, यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है और यहाँ पर एम्ब्रियो होता है, और दोनों के बीच में दोनों को सेपरेट करने वाली ये जो लेयर होती है, दैट लेयर इज नेम्ड एज एल्यूरॉन लेयर, इसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। क्लियर बेटा? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। चलिए पहला ऑप्शन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट, गलत है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए सही है, कॉम्पिटिटिव के लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सब्सट्रेट कंपीट विद एन एंजाइम, सब्सट्रेट एंजाइम से कंपीट करता है, नहीं बेटा इनहिबिटर से कंपीट करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सब्सट्रेट एंड इनहिबिटर कंपीट, यस ये करेक्ट, ये करेक्ट, तो सी ऑप्शन यहां पर सही है, बाकी इनकरेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ बंडल सीथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बंडल सीथ सेल का पाया जाना किसका कैरेक्टर है, कुछ क्रेंच एनाटमी आपने पढ़ा होगा है ना, क्रेंच एनाटमी, क्रेंच एनाटमी में बंडल सीथ सेल होती थिक वॉल्ड, और ये किसका कैरेक्टर है, C4 पाथवे या C4 प्लांट के लिए। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, बताइए बेटा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कहता है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट, टेंडर का मतलब होता है कच्चा, करें कच्चे नारियल में जो नारियल पानी होता है, वो नारियल पानी एक्चुअली क्या है, ये जो नारियल पानी है इसे कोकोनट मिल्क भी कहा जाता है, कोकोनट वाटर को कोकोनट मिल्क भी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक्चुअली क्या है, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। द बिलो पाथवे इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीटा कैरोटीन आपको दिखाई दे रहा है ना, और ये देखिए कुछ दिखाई दे रहा है प्रो विटामिन ए है ना, बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में कुछ बात हो रही है, और विटामिन ए एनरिच क्या होता है, दैट इज गोल्डन राइस। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के आपके हाथ पैर फूल जाए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जो आपने क्वेश्चन कभी नहीं देखे वो भी इजिली आप कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ भोपाल ट्रेजिडी, भोपाल गैस ट्रेजिडी BGT, NCERT में नहीं दिया गया लेकिन इंस्पेक्शन और बायोनिट दोनों जगह, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज, यस मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट लीकेज हुआ था, थाउजेंड ऑफ ह्यूमन बींग डाइड, बिल्कुल सही है, रेडियो एक्टिव फॉल आउट इंगल भोपाल, नहीं बेटा रेडियो एक्टिव नहीं था बेटा है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट रेडियो एक्टिव नहीं था, इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 2, 1984, ये भी सही, तो गलत क्या है, सी गलत है यहाँ पर। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्लांट इन ए हाइड्रोसियर है ना, हाइड्रोसियर में, हाइड्रोसियर का मतलब हाइड्रॉक्स सक्सेशन में करेक्ट सिक्वेंस आपको बताना, तो ये क्वेश्चन करने का एक बहुत आसान तरीका है। देखिए बेटा हाइड्रोसियर में जो पाइनियर होता है, पाइनियर फाइटोप्लैंकटन होते हैं,
पाइनियर फाइटोप्लैंकटन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्वॉक्स होता है बेटा, ये फाइटोप्लैंकटन स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और आप चारों ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर तो ओक दे दिया गया, फॉरेस्ट पहले नंबर पे दे दिया गया, यहाँ भी फॉरेस्ट पाइनियर में दे दिया गया, जबकि ये तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो वॉल्वॉक्स होगा, फिर हाइड्रिला, देन पिस्टिया, सिर्पस, लेंटेना और ओक। तो वॉल्वॉक से शुरू करेंगे और ओक तक जाएंगे, ओक फॉरेस्ट कम्युनिटी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड, बार्ली मतलब जो, ये ए की जगह अल्फा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अल्फा एमाइलेज ही आंसर है बेटा। अब मुझे बताइए कि अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रीवियस एनटीए में मैंने आपको कराया है। अब मुझे बताइए हार्मोन कौन सा है। चलिए यहाँ पर कॉलम मैच करना है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑक्सिन, ऑक्सिन के नाम पे ध्यान दीजिए। ऑक्सिन का नाम क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। तो मतलब ऑक्सिन को किससे मैच कराओगे? इंडोल कंपाउंड से। जिबरेलिन, जिबरेलिन टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन N6 फर्फ्यूरिल इमिनो प्यूरिन, और प्यूरिन में क्या जाएगा? एडिनिन आ जाएगा। तो साइटोकाइनिन एडिनिन डेरिवेटिव है और एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस लवली, जिबरेलिन। बिल्कुल बेटा, जिबरेलिन हार्मोन बिल्कुल सही आंसर है। तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है, चलिए तो मैच हो जाएगा। ए को डी से मैच कराया, टू को सी से मैच कराया, थ्री को ए से मैच कराया और फोर को सी से मैच करा दिया। तो ये आंसर करेक्ट यहाँ पर डी हो जाएगा। क्लियर बेटा, डी आंसर हो जाएगा। 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए लीफ पीलिंग ऑफ ट्रेडेस्कैंसिया, एक साथ है ये ट्रेडेस्कैंसिया, इज केप्ट इन ए मीडियम हैविंग 10% NaCl आफ्टर ए फ्यू मिनट। इफ वी ऑब्जर्व लीफ पील अंडर द माइक्रोस्कोप वी आर लाइकली टू सी। तो बेटा पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 10% NaCl दिया गया है, 10% NaCl जो दिया गया है, ये हाइपरटॉनिक हो जाएगा सेल के कंपैरिजन में। और हाइपरटॉनिक होगा, अब सेल हाइपोटॉनिक हो गई और NaCl हाइपरटॉनिक हो गया। हाइपरटॉनिक हो गया तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, और सेल हाइपोटॉनिक तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा, और पानी हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक यानी हाई से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करती, तो क्या होगा? एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, जो पानी हो सेल के बाहर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट से ही कर पाओगे आप, है ना। इफ द सीडलिंग आर ग्रोन इन डार्कनेस, करें कि अगर जो सीडलिंग मतलब जो अंकुर होते हैं, अगर ये अंधेरे में डार्क में ग्रो करें तो क्या होगा? बताइए बेटा, अंधेरे में ग्रो करेंगे तो टालर देन दोज ग्रोन इन लाइट। लाइट में ग्रो करने वाले अंकुर की तुलना में डार्क में ग्रो करने वाले अंकुर के साइज बड़ा होता है। द मलेरियल पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम कैन बी बेस्ट ऑप्टेन फ्रॉम ए पेशेंट, यानी प्लाज्मोडियम को अगर किसी पेशेंट से आप ऑप्टेन करना चाहते हैं रिसर्च करने के लिए, तो कब उन्हें ऑप्टेन करेंगे? जब टेम्परेचर राइज करेगा राइगर के साथ, यानी जब कपकपी पर्सन को आएगी, जब बुखार आएगा, उस समय जो मलेरियल पैरासाइट होंगे वो ब्लड में अपीयर होंगे, तो उस समय हम इनको ऑप्टेन कर सकते हैं। इन्हें गिवन डीएनए सेगमेंट है ना, ये आपको सेगमेंट दिया गया डीएनए का। द फर्स्ट बेस गेट म्यूटेटेड, द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन कोडिंग बाई दिस डीएनए सेगमेंट विल रिजल्ट इन। अब करें कि पहला जो बेस है, पहला बेस म्यूटेट हो रहा है, तो इससे क्या चेंज होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें गलती आप करते हो, अभी आप आंसर देखिएगा कि किस तरीके से आंसर आप करते हैं। देखिए 21 में ज्यादातर आंसर क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चे कौन सा आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं? 21 के लिए ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहां पर आंसर होगा चेंज इन द फर्स्ट अमीनो एसिड ओनली। ये नहीं कहा कि पहला बेस डिलीट हो रहा है बेटा, म्यूटेट हो रहा, मतलब एडिनिन है म्यूटेट होके यहाँ पर मान लो कि साइटोसिन आ गया, तो अगर एडिनिन की जगह साइटोसिन होगा तो केवल एक ही
कोडॉन तो चेंज होगा बेटा ना, आगे तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इन वन कोडॉन एंड चेंज इन वन अमीनो एसिड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन मैनेज, मैन में टोटल वर्टिब्री कितनी होती है, सर्वाइकल 7 होती है, पहले ऑप्शन में 8 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 6 है, तो सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, और एक्चुअली 5 फ्यूज होती है, कॉकिक्स 1, 4 फ्यूजन से बनती है, टोटल नंबर 33 होती है, लेकिन फ्यूजन के बाद इनका नंबर 26 आ जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉट इज द टोटल गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस फिगर को देखिए और बताइए कि टोटल कितनी एटीपी प्रोड्यूस होंगी। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या करोगे आप, ध्यान दो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलिसिस हो गई, फिर देखिए लैक्टिक एसिड बन गया, मतलब ये पूरा प्रोसेस ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन गया, मतलब ये फर्मेंटेशन है, एनरोबिक रेस्पिरेशन, और एनरोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि जो एनएडीएच बनती है ईटीएच में जा नहीं पाएंगी, तो फिर से एनएडीएच का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, देखिए एनएडी रीजनरेशन यहां पर हो जाता है बेटा, है ना, तो यहां पर केवल 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, बहुत सारे बच्चों ने 8 कर दिया है जो कि गलत है बेटा, ये कॉन्सेप्ट से आप कर पाओगे। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, आरबीई इज यूजुअली रिफर्ड टू एज ए डैमेज कॉज बाय, ये अगर आप इंस्पेक्शन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, क्लासरूम में मैंने पढ़ाया है और बायोनिट में क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आरबीई क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डैमेज कॉज बाय द रेडिएशन, बिल्कुल सही आंसर है रेडिएशन। Which of the following is not a living fossil? इनमें से कौन सा living fossil नहीं है? Peripatus, king crab, sphenodon, ये तीनों living fossil, लेकिन इस Archaeopteryx तो extinct हो चुका है बेटा, ये living fossil का example नहीं है, तो D option आपका correct हो जाएगा ना। आर्कियोप्टेरिस बेटा लिविंग फॉसिल उन्हें कहते हैं जो आज भी पाए जाते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान इनकी बॉडी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, उन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है, तो आर्कियोप्टेरिस तो खत्म ही हो चुका है बेटा। इफ ऑल नाइट्रोजिनेज एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो, अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया जाए, सारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनएक्टिवेट कर दिए जाए इस धरती से, तो क्या होगा, नाइट्रोजिनेज करता क्या है, नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है लिग्यूम में, तो नो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द लिग्यूम, लिग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ, एमनियोसिंथेसिस टेक्निक में किसकी एनालिसिस करते हैं, एमनियन की करते हैं, बॉडी फ्लूइड ऑफ एमनियोट की करते हैं, अमीनो एसिड की करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की करते हैं, तो बेटा 27 का डी होगा, एमनियोटिक फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा बनाया गया था, कोई पूछने वाली बात है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, 28 में इंसुलिन हो जाएगा। रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस क्या है, स्फैग्नम को तो पीट मॉस कहते हैं बेटा, है ना, पीट मॉस या बॉग मॉस कहा जाता है, पीट मॉस या बॉग मॉस कहते हैं, है ना, मार्केशिया तो बेटा लिवरवर्ट हो जाएगा, है ना, और क्लेडोनिया को रेंडियर मॉस कहते हैं, क्लेडोनिया को रेंडियर मॉस कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि क्लेडोनिया का किंगडम क्या है, 5 किंगडम आप जानते हैं, क्लेडोनिया का बस किंगडम आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। If for some reason vasa efferentia of human reproductive system get blocked, the gamete will be not transported from, तो sequence बता होना चाहिए, Retitestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, है ना, ये sequence है, करें vasa efferentia को block कर दिया गया। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं प्लांटी का मेंबर है, कुछ लोग कह रहे हैं एल्गी का मेंबर, कुछ कह रहे हैं ब्रायो का मेंबर है,
कुछ फंजाई का मेंबर बता रहे हैं, बेटा इसे किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। उसका रीजन समझ रहे हैं, रीजन ये कि क्लेडोनिया बेटा लाइकेन है और लाइकेन को तो विटेकर ने किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया है। क्लेडोनिया रेंडियर मॉस, ये लाइकेन है बेटा, ये फॉल्स मॉस है। रेंडियर मॉस इज नॉट ए ट्रू मॉस, ये कोई ब्रायो का मेंबर थोड़ी है बेटा, ये नाम में मॉस लगा, जैसे फॉल्स फिश होती है वैसे ये यहाँ पर फॉल्स मॉस है बेटा, है ना, फॉल्स मॉस हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि ये लाइकेन का मेंबर, और अगर लाइकेन का मेंबर है तो फिर यहाँ पर ये किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। काम तो तुम लोग एकदम मार खाने वाले ही हो, है ना। तो अगर वासे फ्रेंसिया को ब्लॉक कर देंगे तो रेटी टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएंगे, है ना। तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बेटा। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस क्यों कर रहे हो बेटा, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस आंसर करोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो तुम लोग, ए ऑप्शन क्यों कर रहे हो। अगर वासे फ्रेंसिया को ब्लॉक करेंगे तो टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सारा कुछ पढ़ लिया करो तुम लोग, ऐसी तुक्केबाजी करते हो। चलो प्लासेंटेशन बताना है। आर्जिमोन में एक्साइल नहीं बेटा, मस्टर्ड और आर्जिमोन में तो पेराइटल होता है ना, पेराइटल। चाइना रोज में फ्री सेंट्रल, चाइना रोज में फ्री सेंट्रल नहीं होता, लेमन में भी फ्री सेंट्रल नहीं होता है, इन दोनों में एक्साइल पाया जाता है। मस्टर्ड में पेराइटल, हाँ ये सही। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ओनली, है ना, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। 8:10 पे हमने शुरू किया था, 8:30 यानी 20 मिनट में 30 क्वेश्चन हो गए हैं, तो स्पीड सही है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, गिल और लंग। यहां तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसका ऑक्सीजनेशन होता है। लीवर की बात करें तो लीवर में बेटा हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन लेकिन हिपेटिक पोर्टल वेन भी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन में केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। खूब लीवर कर लो, अभी बताऊंगा, लीवर तोड़ दूंगा तुम्हारा नालायक। लीवर में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। कुछ नहीं जानते हो तुम लोग, कुछ भी नहीं जानते हो। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम बिलो, व्हाट इज द प्लॉइडी स्ट्रक्चर लेबल्ड एज डी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया इसका प्लॉइडी बताना है, N2N3N या 4N। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है बेटा, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है जानते हैं, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक दिखाया गया। मतलब ये वो एम्ब्रियो सेक दिखाया गया जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ये जो ई दिखाया गया ये डीजेनरेटिंग एंटीपोडल है, ए जो दिखाया गया डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है, बी जो है ये जाइगोट है, और जो डी है ये पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो कैसा होगा, 3N हो जाएगा, जो रैसे कोई 4N भी कर रहा है। अरे नालायकों, तुक्का लगाना है तो ABC लगाओ, डी क्यों लगा रहे हो। जुरैसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जुरासिक पीरियड वही है जब डायनासोर खूब डोमिनेंट थे, है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट, ये तो गलत है बेटा। फर्स्ट डायनासोर अपियर, ये भी गलत है बेटा, क्योंकि डायनासोर अपियर हुए थे ट्राइसिक पीरियड में, है ना। अच्छा अब कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट प्लांट एंड फर्स्ट बर्ड अपियर, ये सही है। सबसे पहली बार जुरासिक में अपीयर हुई, और जिम्नोस्पर्म जैसे आज एंजियोस्पर्म डोमिनेंट हैं सीनोजोइक एरा में, वैसे मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट हुआ करते थे। ये फिगर मैंने पहले भी आपको कराया है, एम्स में ये पूछा जा चुका है, बायोनीट में क्वेश्चन भी आपको दिया गया बेटा इस फिगर का। और मैंने आपको ये कुछ KM वैल्यू से बताया था कि ये जो हाइस्ट पॉइंट है ना, ये आपको बताता है वीमैक्स के बारे में, और ये पॉइंट को बताता है ये Vmax by 2 के बारे में बताता है। और इस पॉइंट को अगर आप मैच कर देंगे तो जिस पॉइंट पे ग्राफ को टच करेगा वो Km की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। Km की वैल्यू जितनी कम होगी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो
तो x के लिए आप देखेंगे तो इसके लिए Km की वैल्यू सबसे कम है और z के लिए सबसे ज्यादा है। तो x यहां पर बेटा नॉर्मल एंजाइम हो जाएगा, y कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा और z नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा। ये एनटीए का एक मॉक टेस्ट पहले भी मैंने कराया, उसमें भी मैंने बताया। एली लिली एंड अमेरिकन कंपनीज फेमस फॉर, बहुत आसान है। मुस्ताक रहे सर आज, नहीं दुखी नहीं बेटा, थोड़ा सा ये कि रात में थोड़ा देर सोए भी थे और सुबह जल्दी जग भी गए हैं ना, तो नींद उतनी अच्छे से पूरी नहीं हुई है। और अभी अगर मैं थोड़ा सा, फिर टाइम ज्यादा लगेगा है ना, बाकी चीजें हम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये कि अगर सीरियस रहेंगे तो पेपर बहुत ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा है ना, और यही समय जरूरी क्योंकि अब टाइम तो उतना है नहीं। एली लिली प्रिपेयरिंग टू डीएनए सिक्वेंसेस करिस्पॉन्डिंग टू ए एंड पी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिट ऑफ ई कोलाई टू प्रिपेयर इंसुलिन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना। पढ़ाई कर लो बेटा है ना। सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड सॉइल, गुड सॉइल के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया। देखिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज सॉइल कैन होल्ड एंड इट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी, सही है। ए लोमी सॉइल, जैसे लोम सॉइल, दोमट मिट्टी कभी आपने पढ़ा होगा, अगर लोम सॉइल है ना, दोमट मिट्टी कभी पढ़ा हैज हाई फील्ड कैपेसिटी एंड इट हैज मोर अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर हाई फील्ड कैपेसिटी तो होती है। ग्रेविटेशनल वाटर इज रन अवे वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर रन अवे वाटर नहीं, रेन वाटर रन अवे वाटर होता है। कैपिलरी वाटर इज प्रेजेंट इन साइड देम इन पोर्स ऑफ सॉयल एंड इट वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट रूट, ये भी सही। यहाँ पर तो लोम सॉयल में बेटा कैपिलरी वाटर ज्यादा होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ज्यादा नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए और डी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब करेक्ट आंसर तो हो जाएगा। दो ऑप्शन सेम कौन है बेटा, अच्छा ए एंड डी, चलो तो बी और डी दोनों में से कोई भी कर लो, दोनों में से कोई भी कर लो सही होगा, ठीक है बी एंड डी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस, चलिए देखते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू कोकोनट द फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम द इंफीरियर ओरी, नहीं बेटा सुपीरियर ओरी से डेवलप होता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। द मिडिल फ्लैसी मीजोकार्प इज एडेबल, मीजोकार्प नहीं एडेबल होता है, एंडोस्पर्म एडेबल होता है, एंडोस्पर्म एडेबल पार्ट होता है। द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, हाँ ये सही है, एंडोकार्प इज स्टोन, ये भी सही है। तो इसका मतलब है 3 एंड 4 आर करेक्ट। इन ड्रायोप्टेरिस मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ, ड्रायोप्टेरिस बेटा टेरिडो का मेंबर है, तो टेरिडोफाइट में मियोसिस कब होगी बताइए। दुखी होने का एक कारण और है कि तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, इतने नालायक को पढ़ के चुप्पे से निकल लेते हो। 270 लोग हैं और 170 लोगों ने लाइक किया है, मतलब इतने नालायक की लाते कहां से हो तुम लोग। तो बेटा ड्रायप्टेरिस में जो स्पोर मदर सेल होती हैं, इनमें मियोसिस होती है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस होती है। इफ बाई रेडिएशन ऑल द नाइट्रोजिनेज एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर, तो अभी मैंने बताया था नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो अगर इसको इनएक्टिवेट कर देंगे तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूम ये नहीं हो पाएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका है ना। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर आपको बताना है। अब इसको समझने के लिए इसे IgG द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सीरम या एंटीबॉडी, तो इसके लिए कोड मैंने बताया था गैम डे, अगर आपको याद हो गैम डे।
तो जी तो सही है, मतलब गैमडे सबसे अबंडेंट है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया था, ये सही है। आई जी ए मेजर एंटीबॉडी इन सिक्रीशन सजेस्ट सलाइवा टीयर एंड ब्रेस्ट मिल्क, ये भी सही है। आई जी ई लीस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट लेटेस्ट आइसोटॉप विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी, तो ये भी सही है। तो अब तीन चीजें तो हमें पता है, यानी सी ऑप्शन जो आपको दिया गया आई जी डी के बारे में ये इनकरेक्ट, क्योंकि इसका फंक्शन अभी पूरी तरीके से हमें पता नहीं है। द गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। पहले आपको गैमेट पहचानना होगा, फिर आप ऑर्गेनिज्म की पहचान कर पाएंगे एनसीईआरटी में आपको दिया गया। बेटा पहले आप ऑर्गेनिज्म की पहचान करिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। कुछ समझ में आ रहा है, ये आइसोगैमीट है बेटा, आइसोगैमीट। और आइसोगैमीट आपको कहां पर बताए गए हैं, आइसोगैमीट एनसीईआरटी ने बताए हैं क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा में आइसोगैमीट होते हैं, है ना। ह्यूमन और फ्यूकस में हेट्रोगैमीट के बारे में एनसीईआरटी ने बताया। बहुत सारे बच्चे डी कर रहे हैं, अब इसके लिए जब एनसीईआरटी वाले पॉइंट बेटा आप गलत करें तो फिर और क्या कहा जाए, इससे गलत बात और कोई हो ही नहीं सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न एंड एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। एक्वेटिक फर्न कौन सा है बेटा, एजोला को वाटर फर्न कहा जाता है, और इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है, नॉस्टॉक के साथ होता है या फिर एनापिना के साथ, बताइएगा। एजोला का सिम्बियोटिक एसोसिएशन नॉस्टॉक और एनापिना में से किसके साथ होता है, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच फ्रॉम द फॉलोइंग, चलिए देखते हैं। एंटीनी हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, सही है। द हेड इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, सही है। अच्छा कुछ लोग करें दोनों, कुछ लोग नॉस्टॉक, कुछ लोग ना बिना, अरे ना लायकों कुछ नहीं जानते हो क्या। जो एजोला है बेटा, एजोला सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है एनाबिना के साथ, नॉस्टॉक के साथ नहीं शो करता है। ए फॉर एजोला, ए फॉर एनाबिना, गलती क्यों करते हो तुम लोग, इतनी गलती कहां से लाते हो तुम लोग। चलो द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरैक्स, तो ये भी सही है। इन मेल द जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड वेंट्रली बाई 9th and 10th nerve एंड डॉर्सली बाई 9th sternum, गलत है। यहाँ डॉर्सली होना चाहिए और यहाँ पर वेंट्रली होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सही हो जाएंगे। द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन आई में फोटो सेंसिटिव कंपाउंड कौन सा होता है, तो हमारी आई में होता है बेटा कौन सा, रोडोप्सिन, है ना, रोडोप्सिन होता है। और जो रोडोप्सिन होता है वो किससे बना होता है, ऑप्सिन और रेटिनल से बना होता है, ध्यान दीजिएगा रेटिनल, यहाँ रेटिनॉल और ऑप्सिन लिखा हुआ है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, एक लेटर का अंतर है इन दोनों ऑप्शन में केवल। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील इन द फिनोटाइप इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय, हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा कहां दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, जब आई ए और आई बी दो एलील हेट्रोजाइगोट में एक साथ आते हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और इससे ए बी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, क्लियर बेटा, इससे ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेस रिप्रेजेंट ए पॉसिबल पाथवे इन द प्रोडक्शन ऑफ ए सिक्रीटरी प्रोटीन, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है बेटा। यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, ये एरो छूट गए यहाँ पर, तो देखिए राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, फिर इन प्रोटीन को गॉल्जी बॉडी में भेजा जाता है और गॉल्जी बॉडी में पैकेजिंग होने के बाद सिक्रेटरी वेसिकल बनती, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए पिरामिड तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये देखिए ये रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ना, ये प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, मैंने कहा था प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन अगर रिप्रोडक्टिव से कम है तो ये क्या बताएगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को बताएगा, अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा हो तो वो
बताएगा एक्सपेंडिंग कर्व बराबर हो तो बताएगा स्टेबल पॉपुलेशन को, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वैस्कुलर कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द ए एंड प्रोड्यूस मोर बी। तो वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन है बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी किधर ज्यादा होती है, आउटर या इनर? इनर साइड एक्टिविटी ज्यादा होती है और इसलिए सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल, जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है बेटा वो अर्न सेप का, बिल्कुल कल मैंने बताया था और कई सारे बच्चे कमेंट करके आंसर कर भी रहे हैं। द एक्सटिंक्ट सब स्पीसीज ऑफ जेब्रा क्वेगा, क्वेगा तो आपने पढ़ा एनसीईआरटी में, बस आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि जैसे बाली जावा कैस्पियन टाइगर की सब स्पीसीज थी, वैसे क्वेगा जेब्रा की एक सब स्पीसीज थी क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना, तो एक थी क्वेगा और एक खत्म हो चुकी है। वाज ओरिजिनली फाउंड इन, तो क्वेगा कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। क्लियर। द सिंथेसिस ऑफ रेप्लिसोम, ये देखिए, दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, बढ़िया सवाल है। रेप्लिसोम, रेप्लिसोम एक प्रोटीन है जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है रेप्लिकेशन के लिए। अब बताओ रेप्लिसेम एक प्रोटीन है जिसकी जरूरत है रेप्लिकेशन के लिए, और रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, तो इस एस फेज में रेप्लिकेशन कराने के लिए जो रेप्लिसोम ही कब बनेगा, जीवन फेज में बनेगा, इसका फॉर्मेशन जीवन फेज में होता है, रेप्लिसोम जीवन फेज में होता है। क्या हाल चाल है बेटा, थुक थुक के लगाया ना तुम लोग सी के लिए, रेप्ली देखा, अच्छा कुछ लोगों ने रेप्लिसोम पढ़ा ही नहीं, उन्होंने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, इसको करेक्ट आंसर ए होगा, जीवन फेज में रेप्लिसोम बनता है। राइबोसोम आर पार्टिकल, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है, राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का परसेंटेज यूकेरियोट में पूछा गया, पहले प्रोटीन बताइएगा फिर आरएनए बताइएगा, ठीक। राइबोसोम में कितने परसेंट प्रोटीन और कितने परसेंट आरएनए होता है, ये एनटीए के मॉक टेस्ट में पहले ही मैंने कराया है कि प्रोटीन 40% और आरएनए 60%, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन इन प्लांट, वैस्कुलराइजेशन का मतलब बेटा वैस्कुलर बंडल के फॉर्मेशन के समय क्या होता है, बायोनीट में क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन में थ्योरी है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो अब वैस्कुलर बंडल जो होते हैं बेटा उनका फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोकैम्बियम करता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाई डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। खूब तुक्के लगाओ, खूब तुक्के लगाओ ना लायकों। चलो, कैम पाथवे ऑपरेटिन बताइएगा। तो ड्रॉट रेजिस्टिंग जीरोफाइट, और एक कुछ नाम याद आ रहा है बेटा, एफीमेरल, ड्रॉट रेजिस्टिंग, ड्रॉट एस्केपिंग या ड्रॉट इंड्यूरिंग, क्या होते हैं? कैम पाथवे तो उन प्लांट में ऑपरेट होता है जो ड्रॉट रेजिस्टिंग होते हैं। ये एफीमेरल वाला पॉइंट अभी मैंने एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो भी अपलोड की थी जहां पर एनसीईआरटी के बाहर वाले पॉइंट मैंने कराए थे। तो एफीमेरल क्या होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टिंग होते हैं या ड्रॉट एस्केपिंग होते हैं या ड्रॉट एंड्यूरिंग होते हैं? कैम पाथवे तो ड्रॉट रेजिस्टिंग में एप्लीकेबल होता है। यस अर्चना, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ये ड्रॉट एस्केपिंग होते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब समझिएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब आपसे पूछा है कि एनालॉगस ऑर्गन कौन से, आपको एनालॉगस ऑर्गन ढूंढने बेटा इसमें से, है ना। तो आप देखिए, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल एनालॉगस हैं, फिल्पर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन भी एनालॉगस हैं, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो भी एनालॉगस हैं, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पढ़ाया बेटा। अब देखिए,
यहाँ पर चार जनरेशन आपको दी गई, चारों जनरेशन में पहली जनरेशन में डिजीज नहीं है, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं हो सकता है। डोमिनेंट तभी होगा जब हर जनरेशन में बीमारी आपको नजर आए। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव दो ऑप्शन बचे। अब आप देखिए दूसरी जनरेशन में लड़की को बीमारी है। अब अगर आप सोचिए कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है मतलब हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया लड़की को कब हो सकता है? जब फादर इसका कैसा हो, इसका फादर है ये अफेक्टेड होना चाहिए जो कि नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो कंडीशन आपको दिखाई गई है ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। कुछ समझ में आया? द पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ, आप जानते हैं हर्ट की एक्टिविटी को सिंपैथेटिक बढ़ाता है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। अब पैरा सिंपैथेटिक के लिए ऑप्शन तो नहीं होगा, तो पैरा सिंपैथेटिक गट की, आयरिस की और यूरिनरी ब्लैडर की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है। क्लियर? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, इनमें कौन पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है? एसिटाबुलम, एसिटाबुलम पेल्विक गर्डल का पार्ट है बेटा, पेल्विक गर्डल। ठीक है, इलियम भी पेल्विक गर्डल में ही आ जाएगा। ग्लेनॉइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल का पार्ट, ग्लेनॉइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल का पार्ट आपको बताना है कि स्टर्नम पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है या फिर पेल्विक गर्डल का पार्ट है। स्टर्नम पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है या पेल्विक गर्डल का पार्ट है, ये आपको बताना है। विच, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कौन सा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जहां पर एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है? कम से कम 20 बार तो मैं करवा चुका हूं। नीट में लगभग हर साल पूछा जाता है। देखो आंसर, देखो इसका तो एम्फाइसिमा हो जाएगा, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि स्टर्नम पेल्विक या पेक्टोरल में किसका पार्ट है, तो आंसर है किसी का नहीं। ये नहीं कि ऑप्शन दे दिया गया तो करना ही है, ये किसी का पार्ट नहीं बेटा। स्टर्नम तो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, ये तो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ये पेल्विक या पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा तो नहीं है बेटा। तुम लोगों के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। जीन कंट्रोल, जीन किसे कंट्रोल करता है? क्या जीन हेरिडिटी को कंट्रोल करता है? बिल्कुल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करता है बेटा, वन जीन वन एंजाइम, एंजाइम ही तो प्रोटीन होते हैं ना, तो बोथ हेरिडिटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस दोनों को कंट्रोल करता, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन मिल जाए फिर तुम लोग देखते हो क्या करते हो, ऑप्शन दे दीजिए सर। चलिए फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड करिए। हाई हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, सही है टिश्यू लेवल पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज हायर देन टिश्यू, एल्वेलाई में 104 और टिश्यू में कितना होता है 40 होता है, तो बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, ये भी सही है। इन एल्वेलाई PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई, एल्वेलाई में PCO2 40 और PO2 104 फॉर डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो ये भी सही है। ठीक है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो डिसोसिएशन हो जाएगा, तो चारों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ठीक, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। सी क्यों कर रहे हो बेटा, इसमें तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, कोई भी स्टेटमेंट यहां पर गलत नहीं है, चारों स्टेटमेंट सही है। फ्लोरल करेक्टर आपको बताना है लिलियसी के लिए, सिक्स टेपल सही, जाइगोमॉर्फिक नहीं बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, टेट्रामेरस नहीं ट्राइमेरस होता है, ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीएंड्रस सुपीरियर ओरी एक्साइल प्लेसेंटेशन, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। डी में जाइगोमॉर्फिक दिया गया। इस तरीके से आप करोगे तो एग्जाम में जल्दी आप आंसर कर लोगे, आप गलत ऑप्शन को टिक करते जाओ और सही आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। जेनेटिकली एक्टिव एरिया ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्रोमोसोम में जेनेटिकली एक्टिव एरिया कौन सा होता है? जेनेटिकली या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो जो यू क्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है।
ड्यूरिंग इंटरफेज आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। बढ़िया सवाल है, बायोनेट में डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन में आप पढ़ते भी इस बारे में, है ना। तो इंटरफेज में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस कब होती है? बताओ जल्दी बेटा, जल्दी से बताओ फिर हम खत्म करें इसको। G1 और G2 दोनों ही फेज में, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा बेटा, है ना। मोनेरल्स विद बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एंजाइम। और ध्यान दीजिएगा, कार्बन रिड्यूसिंग एंजाइम का मतलब जान रहे बेटा, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। और नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एंजाइम मतलब नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस, मोनेरन मतलब प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। तो क्या सभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है? नहीं होता बेटा, नाइट्रोजनेज एंजाइम सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है। हाँ, हेट्रोसिटस, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो हेट्रोसिस्ट होता है उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। द व्हाइट फाइबर आर केमिकली फॉर्म्ड ऑफ। व्हाइट फाइबर केमिकली किससे बने होते हैं? व्हाइट फाइबर कोलेजन से बने होते हैं, और जो येलो फाइबर होते हैं बेटा वो इलास्टिन के द्वारा बने होते हैं। इलास्टिन व्हाइट, येलो फाइबर एंड कोलेजन व्हाइट फाइबर, क्लियर। द ट्रॉफिक लेवल ऑफ कस्कुटा ओरोबैंकी एंड एल्ब्यूगो। अब ये कस्कुटा और ओरोबैंकी, ये दोनों तो प्लांट हैं, और ये एल्ब्यूगो फंगस है, और ये तीनों क्या हैं? तीनों ही पैरासिटिक नेचर के हैं। और तीनों पैरासिटिक किसके ऊपर हैं? तीनों पैरासिटिक हैं प्लांट के ऊपर। तो ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे हॉस्टोरिया के द्वारा फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। कुछ लोग डीकम्पोजर बता रहे हैं, ये पैरासाइट है ना बेटा, तो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, क्योंकि प्लांट किससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ और ये पैरासाइट प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे। ऑब्स्टेकल टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट, बड़े स्तर पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या रुकावट है? आप जानते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज बाय टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट रिजेक्शन करेगी ऑर्गन का, और कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी आप बताओगे? इन टेरिडोफाइट फ्लोएम इज विदाउट। टेरिडोफाइट में क्या नहीं होता है, फ्लोएम में क्या नहीं पाया जाता है? ये बढ़िया सवाल है वैसे, इसमें अगर ध्यान आप नहीं दोगे तो आप गलत करोगे। अभी देखिए एक ऑप्शन जब बच्चे करेंगे, सीएमआई, बिल्कुल मकसूद सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसका आंसर बताइए। ये बढ़िया सवाल है, 69 में बेटा देखिए, सीयू सेल टेरिडोफाइट में होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बास फाइबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कॉम्पेनियन सेल होती हैं, नहीं होती हैं। तो मोर देन वन ऑप्शन तो नहीं करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कॉम्पेनियन सेल नहीं होती, कॉम्पेनियन सेल की जगह पर एल्बुमिनस सेल होती है, एल्बुमिनस सेल। ज्यादातर बच्चे डी आंसर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सीयू ट्यूब नजर आ रहा है बेटा। टेरिडोफाइट में सीयू ट्यूब नहीं होते, लेकिन सीयू ट्यूब की जगह पर सीयू सेल तो होती हैं बेटा, और कॉम्पेनियन सेल नहीं होती, उनकी जगह पर एल्बुमिनस सेल होती हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर सी होगा बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट व्हेन द बेबी इज सकिंग। जब बच्चा दूध पीता है तो कौन सा हार्मोन मिल्क के इजेक्शन को रिलीज करता है? दैट इज द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसीलिए इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि लव हार्मोन किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं लव हार्मोन किसे कहा जाता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताएगा। डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की डिवाइस कौन सी है बेटा? हेट्रोस्टाइली की अगर हम बात करें तो हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की डिवाइस। डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी क्रॉस पॉलिनेशन की डिवाइस है, यूनिसेक्सुअलिटी क्रॉस पॉलिनेशन की डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर डी होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। गिवन बिलो द फाइव स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रीवेंसेस टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट। कॉन्ट्रीवेंसेस को समझते हो? कॉन्ट्रीवेंसेस
कॉन्ट्रिवेंसेस का मतलब सहायक। करें कौन क्रॉस पॉलिनेशन में सहायक होता है? तो पहला डाइक्लाइनी, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। गलत है बेटा, ये डाइक्लाइनी नहीं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये डाइकोगैमी लिखा है। डाइकोगैमी लिखा फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, ये उल्टा लिखा हुआ है। मतलब डाइक्लाइनी में फ्लावर यूनिसेक्सुअल और डाइकोगैमी में एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब प्रीपोटेंसी, पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ऑन द स्टिग्मा देन पॉलन ग्रेन ऑफ एनदर फ्लावर, ये भी गलत है। प्रीपोटेंसी में दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जल्दी जर्मिनेट करते हैं। हेटरोस्टाइली अभी आया था, पिछले ही पेज पे आया था हेटरोस्टाइली, ये देखिए है ना हेटरोस्टाइली। तो हेटरोस्टाइली टू और थ्री टाइप ऑफ फ्लावर विद डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल सही है। हर्कोगैमी ये मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी सही है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में कौन मदद करा? फोर एंड फाइव करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा बेटा। विच आर द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें होती है बेटा? राइस में। 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है। चलिए यहां पर आपको इनकरेक्टली मैच पे ढूंढना। एम्फीबिया यूरिनरी ब्लैडर प्रिजन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल सही। कॉन्डिथिस एयर ब्लैडर ऑपरकुलम, नहीं बेटा ना तो एयर ब्लैडर होता ना ही ऑपरकुलम होता है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है बेटा यानी बी ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा क्लोज सर्कुलेशन 6 to 15 पेयर गिल्सलेट सही है। अब मुझे बताओ कॉन्डिक्थिज्मिक गिल्सलेट कितने पेयर होते हैं? कॉन्डिक्थिज्मिक गिल्सलेट कितने पेयर होते हैं? ए कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील ऑफ ऑल द जीन ऑफ ए क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील। सारे एलील का कलेक्शन क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। मैंने पूछा कॉन्डिक्थिज्मिक कितने पेयर गिल्सलेट होते हैं? सिद्धि का आंसर एकदम सही है, सिद्धि ने एकदम सही आंसर किया। लालता का आंसर सही है, सूर्या का आंसर सही है, दैट इज 5 to 7 पेयर, 5 to 7 पेयर, ये एनसीईआरटी ने लिखा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ 5 to 7 पेयर। फ्लावर इन एंजियोस्पर्म इज ए मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट सही है। पजेस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस एट सक्सेसिव नोड, ये भी सही है। हैव फ्लोरल अपेंडेजेस विच आर मॉडिफाइड लीफ, ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ ये भी सही है, तो सारे सही डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट इज ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड? पैरासिटिक नहीं, सेप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल स्पोर डिस्पर्स बाय वाटर नहीं, पैरासिटिक नहीं, सेप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, यस डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट गिवन बिलो एक्सेप्ट, तो इट should be able to express itself in the form of Mendelian character, सही है। It should be able to generate its replica, ये भी सही है। It should be stable structurally but not chemically, structurally and chemically, ये गलत है। It should provide the scope for slow changes that are required for evolution, ये भी सही है। तो C option यहाँ पर गलत है। Genetic material structurally और chemically दोनों तरीके से stable होना चाहिए। The hormone released by the pineal gland of human brain is concerned with, pineal gland से हार्मोन निकलता है melatonin, melatonin, और melatonin क्या करता है मैंने आपको बताया था कुछ DPMTs के बारे में है ना, DPMTs डिफेंस के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, स्लीप वेक साइकिल, तो टेम्परेचर, कलरेशन, स्लीप, ये तीनों तो हो जाएंगे। तो एंगर गुस्से से नहीं इसका संबंध है, बाकी सबसे तो है। तो इसमें पूछना चाहिए था कि कौन सा इज नॉट नॉट कंसर्न विद, पूछना चाहिए था, तब इसका आंसर ए हो जाता। अब इसमें तो अगर पूछा कंसर्न विद तब तो बी सी डी तीनों ऑप्शन सही। वैसे अगर एनटीए की मैं बात करूं तो एनटीए ने जो आंसर दिया है वो डी आंसर दिया है इस क्वेश्चन में, जबकि यहां पर रॉन्ग, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्योंकि यहां पर बी सी डी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। करेक्ट स्टेटमेंट, कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज 18th क्रोमोसोम ट्राइसोमी, नहीं बेटा ये सेक्स लिंक्ड होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है।
फिनाइल किटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, नहीं बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनप्लॉयडी, ये सही है। तो आप मुझे बताइएगा 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने से कौन सी डिजीज होती है। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इंस्पेक्शन में और बायोनीट में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा। तो यहां पर करेक्ट पूछा गया ना, तो करेक्ट कौन सा है, 1 और 4। अब 1 और 4 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है ना। एनटीए ने जो आंसर दिया वो डी दिया है, एनटीए ने डी आंसर दिया, जबकि यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एनटीए के हिसाब से सेकंड ऑप्शन भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला सही, जबकि क्लाइनफेल्टर ने यस, दैट इज नूतन ने बताया दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम, ये एडवर्ड सिंड्रोम है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ए बंडल ऑफ हिज पासेज स्टिमुलस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये थोड़ा सा उतना सही सवाल है नहीं बेटा, है ना। बंडल ऑफ हिस कैसे बनता है, आप जानते हैं कि जब राइट और लेफ्ट बंडल परकिंजे फाइबर के साथ मिलते तो बंडल ऑफ हिस का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर जो आंसर है वो परकिंजे फाइबर एक ऑप्शन आपको मैच कर रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत करेक्ट क्वेश्चन ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, Which of the following pair of hormone are not antagonistic? Antagonistic लिख भी दिया उसने, ये है opposite effect. Parathormone calcitonin, parathormone blood calcium level को बढ़ाता है और calcitonin घटाता, तो antagonistic हो गए। Insulin glucose के level को घटाता है, glucagon बढ़ाता है, तो antagonistic हो गए। Aldosterone blood pressure को बढ़ाता है, ANF कम करता है, antagonistic हो गए। Relaxin muscle को relax करता है ना, और inhibin hormone FSH की एक्टिविटी को इनहिबिट करता, तो इनका दोनों का काम एक दूसरे से अलग है, मतलब ये दोनों एंटागोनिस्टिक नहीं है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए पढ़िए और करिए। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, मेसोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। नहीं बेटा मेसो नहीं होता, दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम इज ए इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, सही है। मायोमेट्रियम इज मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल विच एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ पीरियड, भी सही है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी सही है। तो बस वन गलत है यहाँ पर, सही पूछा है ना, तो 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बेटा। देखिए कॉस्मिट की अगर हम बात करते हैं, इनकरेक्ट आपसे पूछा, कॉस्मिट कंटेन जीन कोडिंग फॉर वायरल प्रोटीन, नहीं बेटा कॉस्मिट रेप्लिकेट लाइक प्लाज्मिड, सही है। देखिए प्लाज्मिड क्या होता है कि जो छोटे सेगमेंट होते हैं डीएनए के, छोटे सेगमेंट के डीएनए जो होते हैं बेटा उनके लिए वेक्टर के रूप में हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं, लेकिन अगर बड़े साइज का डीएनए है तो उसके लिए वेक्टर के रूप में कॉस्मिट का यूज करते हैं, लार्ज डीएनए सेगमेंट। तो प्लाज्मिड की तरह डीएनए कॉस्मिड भी रेप्लिकेट करता है, कॉस्मिड में भी प्लाज्मिड की तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मार्कर जीन होते हैं, और कॉस साइट है, कॉस्मिड में कॉस साइट होती है जिसमें 12 बेसेस होते हैं, और 12 बेसेस मतलब 6 बेस पेयर हो जाएंगे, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग इज ड्यू टू, लिविंग में जो डाइवर्सिटी है उसका कारण आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, दैट इज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, ये आंसर सही होगा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज। हाँ बेटा ये कुछ YouTube में दिक्कत हो गई थी, है ना, एक घंटे बाद स्ट्रीम कुछ बंद हो गई थी इसमें, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 86, दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। तो 87 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेटेलिक आयन डज नॉट अकर एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एनी एंजाइम।
तो अब अगर मैग्नीशियम की आप बात करें, मैग्नीशियम वाला केस तो एनसीईआरटी में आपको दिया ही गया है। मैग्नीशियम की अगर आप बात करें तो जैसे रुबिस्को आपको दिया गया है, पेपकेज आपको दिया गया उसमें होता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के लिए जैसे टायरोसिनेज एंजाइम, जिंक की बात करें तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ना, इन्हें एक्टिवेट करता है। और ये आपको क्या दिया गया, सिल्वर है बेटा, चांदी। तो सिल्वर किसी भी एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटेलिक आयन के रूप में, कोफैक्टर के रूप में काम नहीं करती, ठीक है? तो यहां पर आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप थोड़ी सी चीजें ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 88, द डायग्राम गिवन बिलो, डायग्राम तो है नहीं, छोड़ देते हैं। इन निगेटिव ऑपेरॉन, जैसे लैक ऑपेरॉन की बात करें तो लैक ऑपेरॉन एक निगेटिव ऑपेरॉन है। अब लैक ऑपेरॉन में कोरी प्रेशर तो होता नहीं, तीन ऑप्शन में तो कोरी प्रेशर दिया गया है। साइक्लिक एम्पियर निगेटिव इंपैक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन, ऐसा भी कुछ कोई ऑप्शन मैच नहीं करा। करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए था, यहां पर को नहीं होना चाहिए था, रिप्रेशर बाइंड, यहां पर होना चाहिए था रिप्रेशर बाइंड विद इंड्यूसर। रिप्रेशर इंड्यूसर से जब बाइंड करता तो लैक ऑपेरॉन एक्टिवेट हो जाता, ऑन हो जाता है। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग पार्ट इन द मेमरी ग्लैंड इज, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है मेमरी ग्लैंड में। ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि सीक्वेंस में आप कई बार गलती करते हैं। ये कोड भी बच्चे ने बताया था जो मैंने स्पेशल सरप्राइज सेशन में आपको बताया था, अगर याद होगा, है ना। क्या आंसर करोगे इसमें, मेमोरी एल्वेलाई देन मेमोरी डक्ट एम्पुला, ये गलत सीक्वेंस है। एम्पुला मेमोरी लोब, ये भी गलत है। मेमोरी लोब मेमोरी डक्ट मेमोरी एम्पुला, ये भी गलत है। एम्पुला मेमोरी डक्ट मेमोरी एल्वेलस और मेमोरी लोब, ऐसे देखिए जो मेमोरी लोब होते हैं बेटा इनके अंदर मेमोरी एल्वेलाई होती हैं। मेमोरी एल्वेलाई मेमोरी डक्ट में ओपन करते हैं और मेमोरी डक्ट एम्पुला में ओपन करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। अब एक इंफॉर्मेशन बेटा आपके लिए है, इंफॉर्मेशन ये कि आज जो 12 बजे वाली क्लास है, ठीक है, आज जो 12 बजे वाली क्लास होनी थी ये आज नहीं होगी बेटा आपकी, ठीक है। आज ये वाली क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। डोडू को वैक्सीनेशन होना है बेटा आज, है ना, तो आज मैं डोडू को लेके जाऊंगा, तो इसलिए आज आपकी 12 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी कल मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे एक एनटीए के मॉक टेस्ट के साथ में, और फिर 12 बजे हम लोग बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कल हम फिर से मिलेंगे। और बाकी छोटी छोटी वीडियोज मैं अपलोड करता रहूंगा, उससे मैं आपके टच में रहूंगा। वर्कबुक और डीपीपी के भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आज जो 12 बजे वाली क्लास है ये नहीं हो पाएगी। अमृता मैम की क्लास होगी और अनुराग सर की एक वीडियो अपलोड होगी एनटीए के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, मैम की क्लास होगी बेटा और अनुराग सर की एक वीडियो तो अपलोड ही हो जाती है, जो एनटीए मॉक टेस्ट वो लाइव नहीं करा पा रहे हैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में समय आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर बेटा, तो आज बेटा आपकी 12 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, कल हम लोग 8 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।